करनाल दौरा है। महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे हैं सीएम नारसिंह सैनी। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम सैनी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और कुछ तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देखिए, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी का करनाल दौरा है। कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम सैनी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो सीएम नायब सिंह सैनी दो दिवसीय दौरे पर हैं करनाल में। देखिए, चुनावी समय चल रहा है और इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ संवाद भी रहेगा। हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को कोई मूल मंत्र देते हुए भी नजर आए। अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है और कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं और तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे क्योंकि चुनावी समय चल रहा है और बीजेपी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जनसभाएं की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं और इसी के चलते आज भी चुनावी कार्यक्रम होंगे जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। तो महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी करनाल दौरे पर हैं। कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से मेरे सहयोगी मुकुल जुड़ गए हैं। मुकुल, देखिए, नायब सिंह सैनी करनाल दौरे पर हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं और ये भी बताइए क्योंकि महाराणा प्रताप चौक पर वो पहुंचे थे और पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए थे प्रतिमा पर, आज क्या क्या कार्यक्रम है सीएम के? जी बिल्कुल, देखिए करनाल में जो है दो दिन से सीएम नायब सैनी करनाल दौरे पर हैं और अगर आज बात करें आज दूसरा दिन है उनके करनाल दौरे का, जहां पर आपको बता दें कि कल भी जो उनके 6 से 7 कार्यक्रम करनाल में रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिले हैं, उनसे मुलाकात की है क्योंकि चुनावी समय है। ऐसे में जो है किस तरीके से चुनावी प्रचार में जो है वो जुट चुके हैं क्योंकि करनाल में उपचुनाव के जो चुनाव है वो खुद सीएम नायब सैनी करनाल से लड़ रहे हैं। वहीं आज दूसरा दिन है सीएम नायब सैनी का करनाल में। सुबह जो है महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे, आज उनकी जयंती है, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद भी जो है अलग अलग कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि उद्योगपतियों से मिलेंगे। वहां पर जो है करनाल का सेक्टर 3 है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर तमाम ऐसे जो है इंडस्ट्रीज है, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। अलग अलग आज भी तकरीबन 8 से 9 ऐसे जगहों पर वो जाने वाले हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे और लोगों में भी जो है काफी जोश और उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है, उनका जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच जो है जाकर वो कहीं ना कहीं संवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मुकुल, देखिए चुनावी कार्यक्रम का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो चुनावी समय चल रहा है तो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है पार्टी, लेकिन इस बीच आज जो चुनावी कार्यक्रम होने वाले हैं और साथ ही पार्टी नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे सीएम और साथ ही संवाद भी करेंगे, तो क्या कुछ संदेश इस दौरान दे सकते हैं वो और कार्यकर्ताओं को क्या कुछ निर्देश जो है वो आज दिए जा सकते हैं? कोई मूल मंत्र भी दिया जा सकता है कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, देखिए चुनावी समय है, ऐसे में जो है लगातार सीएम नायब सैनी के दौरे जो है करनाल में कहीं ना कहीं देखे जरूर जा सकते हैं। चाहे बात करें लोकसभा के उम्मीदवार मनोहर लाल, वो भी करनाल में लगातार अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वही अगर बात करें विधानसभा उपचुनाव की, सीएम नायब सैनी इसके प्रत्याशी है, वो भी अलग अलग जो है कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें बीजेपी दफ्तर की, वहां पर भी जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ लगातार मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सख्ती से आदेश दिए जा रहे हैं, उनको जो है जिम्मेवारियां भी दी जा रही है कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है उनको जो है अपना कार्य करना है ताकि लोगों से जुड़ा भी जा सके। कुछ लोगों की समस्याएं थी, उन पर भी जो है पहले हालांकि काम जरूर किया गया था, लेकिन अब की अगर बात करें अब जो है फिलहाल अपने जो कार्य हैं पुराने 9.5 साल के वो जो है उनमें दिखाए जा रहे हैं, गिनवाए जा रहे हैं और आगे जो है बताया जा रहा है। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ऐसे ही जो है कार्य करती रहेगी। चलिए मुकुल, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो आज देखिए करनाल दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरा है ये सीएम का।